धरती हमारा गढ़वाल की, धरती हमारा गढ़वाल की, कतगरों तेल। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक बार फिर से स्वागत है आपका पहाड़ी किचन में और पहाड़ी खान पान में। और सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार है प्रणाम। मैं कविता बड़वाल स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल में। और आज मैं बनाऊँगी भटका, काले भटका फाणो। और ये फाणो पहले तो मैं आपको बताऊँगी फाणों का जानकारी, काले भटका फाणों से हमें कितना लाभ होता है। और काले भटका फाणो से हमें बहुत लाभ होता है दोस्तों। आजकल ठंडों के मौसम में ये फाणो एक बार आप भी ज़रूर बना के देना, क्योंकि इससे सर्दी जुखाम खांसी जो भी होता है तो वो दूर हो जाता है। और ये खांसी के लिए बहुत, पुराने जमाने में बोलते थे ना कि बम को होता है खांसी होता है, कुछ इस तरह का खांसी होता है कि वो कभी जाता ही नहीं है। तो पुराने लोग इसी चीज़ का, दवाई का इस्तेमाल ना करते हुए इसी काले भटका और सफ़ेद भटका इस्तेमाल करते थे और अपने खांसी जुखाम और जो भी बीमारी है वो उसको दूर भगाते थे। तो आज मैं भी वही बना रही हूँ भटका फाणो। वीडियो में बने रहें, देखें कैसे बनाएं भटका फाणो। और आप भी ज़रूर मेडिकल से वो केमिकल दवाई न लेते हुए आप भी ऐसे भटका फाणो घर में बनाइए और स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने गाँव में व्यस्त रहे। देखें कैसे बनाते हैं भटका फाणो। ये है भट और ये आपको कहीं भी जनरल स्टोर में मिल जाएगा, कहीं भी राशन की दुकान में आराम से मिल जाएगा ये काला भट्टा है। और इसे आपने एक दिन पहले ही भिगो देना है, ठीक है? एक दिन पहले ही आपको ठंडे पानी से भिगो देना है और इस तरह इसका जो छिग्गल है ना इसको निकाल देना है, अपना आप निकल जाता है। और सारा छिग्गल नहीं निकालना है, आधा से ज़्यादा छिग्गल निकालना है और थोड़ा बहुत वैसे ही रहने देना है, क्योंकि छिग्गल में ही विटामिन रहता है। तो दो चार आपको हल्का फुल्का जितना निकलता है उतना निकाल देना है। और उसके बाद आपको इसे पीसना है। कैसे पीसना है ये आपको मैं बताती हूँ। पहले इसे निकालिए, इसे इस भटका जो ये चिग्गल है उसे हल्का फुल्का निकाले इस तरह, देखिए। और बहुत ही लाभदायक हमारे शरीर के लिए, बहुत ही अच्छा। ठंडियों में भटका फाणो तो इसका स्वाद कुछ नहीं भी डालोगे, नमक भी डालोगे सिर्फ, तो उसमें इसका इतना टेस्टी स्वाद आता है। और हमारे शरीर में सर्दी जुखाम जैसी बीमारी को दूर करता है, खांसी वगैरह हो गया ये सब। और अगर आपको कभी ज़्यादा खांसी जुखाम बुखार हो गया तो आप इसे भून के भी खा सकते हो, भून के भी खा सकते हो। और देखिए कैसे बनाते हैं। पहले मैं इसे हल्का फुल्का इधर निकाल दूँगी छिग्गल, उसके बाद आपको कुछ इस तरह से इसका हल्का फुल्का छिग्गल आप इधर निकालें। देखिए ऐसा कीजिएगा, छिग्गल अपना आप ही इधर आ जाएगा, क्योंकि वो अच्छी तरह भीग चुका है ना, इसलिए ये आराम से ये अपना निकल जाएगा। निकालने की छिलका था उसे मैंने इधर निकाल दिया है और इसे मैं अब पीसूंगी इस सिलोठी में, जैसे मैंने परसों पीसा था ना, जैसे मैंने गहत का फाणो बनाया था वैसे मैं इसको पीसूंगी, ठीक है? इसमें आप भी सिलोठी में पीस लीजिएगा, अगर आपके पास मिक्सी है तो आप मिक्सी में पीस लीजिएगा और सिलोठी है तो आप भी इसी तरह इसमें पीस लीजिएगा। इसमें भी बहुत आसानी से पीस जाता है, ये देखिए बहुत ही अच्छे से पीस जाता है। और आप भी इसी तरह पीसिएगा। इसे पीस के मैंने कढ़ाई में डाल दी इस तरह, देखिए। और अब मैं जलाऊंगी गैस, जितना मुझे पानी चाहिए था उस हिसाब से मैंने इसमें पानी डाल दिया। और अब मैं इसे जलाऊंगी गैस को और अभी इस पर फ्राई फ्रूई कुछ नहीं करना दोस्तों। तो इस पर सीधा आप छौंक लगाना है आपको, फरन का, जीरा का, किसी का भी। हर किसी के यहाँ फरन तो होता नहीं है, तो आप जीरा का लगाइए, हींग का लगाइए, जिसे आप जिसको आप अच्छा लगता है। और इसमें डालूंगी हल्का नमक, हल्का क्या स्वाद अनुसार इसमें डालना नमक, एक चम्मच मैंने इसमें डाल दी नमक। और हल्का मिर्च और एक चम्मच मसाला और आधा चम्मच हल्दी। और इसमें इसको मिक्स करना है इस तरह, देखिए इस तरह। और ये उबलेगा उसके बाद आपको बताती हूँ मैं। और इसमें मैंने अभी वही डाला मिर्च मसाला और हल्दी और नमक, ठीक है? और ये उबल रहा है, उबलेगा उसके बाद हमें इसमें मैं डालूँगी दो
धरती हमरा गढ़वाल की कतगेरों तेली स्वाणी छाओ कतगेरों तेली स्वाणी छा। ये डाल दिया मैंने इसमें थोड़ा सा लहसुन। पच बदरी पच केदार पच पर्याग यक छिन पच पर्याग यक छिन पच भंडोरी भाग हमरा धन धन भाग हमरा धन धन कुंड छिन इक कासी छिन मठ यक महा हो गंगा यमुना यख बेटी सबूगी भूख तीस मिटाणी छाहो कतगेरों ते लिस्वाणी छा। धरती हमरा गढ़वाल की धरती हमरा गढ़वाल चलाते रहे हैं ऐसे ही देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है। ठंड में आप भी लीजिएगा फाणु का आनंद फाणु साग का आनंद। क्या टेस्ट बलदवा ज्यादा ही सुंदर लग रहा है। फाइनली तैयार है देखिए स्वादिष्ट। और अब हम इसमें छौंक मारेंगे ठीक है। देखिए कुछ इस तरह का ये इसका स्वाद खुशबू कुछ इस तरह का होता है इसका लुक। और अब इसमें मैं आपको छौंक मार के दिखाती हूँ कैसे इस पर छौंक मारना है देखिए। और जब भटक को पीसोगे तो बिल्कुल बारीक करना है ठीक है, दर दर बारीक पीसना ताकि वो अच्छे से पके। का रंग कुछ इस तरह होता है देखिए, हल्का काला पड़ चुका है ये और बहुत ही स्वादिष्ट। इसमें लोहे का आयरन सारा चले गया है। और इसमें मैं आपको धनिया गार्निश करके और तड़का लगा के दिखाती हूँ। और तड़का लगाने के लिए रखा इसमें मैंने तड़का पैन और गैस को जलाऊंगी। आप इसमें घी का भी लगा सकते हो तड़का, और मैं लगा रही हूँ उसमें तेल का क्योंकि भट्ट गर्म ही होता है तो इसीलिए मैं इसमें एक चम्मच तेल डालूंगी। और तेल को जलने के बाद मैं उसमें माणा का फरन का तड़का लगाऊंगी। देखिए कुछ इस तरह स्वादिष्ट लंग आप भी बनाइए स्वादिष्ट भट्ट का फाणो बस्ता साग इस तरह। और गैस को करते हैं ऑफ और अभी हम तड़का लगाएंगे। पहले आप इसको पकड़ लीजिएगा और फाणों का स्वाद लेंगे कैसा है। देखिए और पहाड़ों में आजकल संतरे और ये फाइनल लुक है हमारा भट्ट का। और मैं आपको खा के बता दूँ ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट लंच में, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहे मस्त रहे और व्यस्त रहे। आपको खाने का स्वाद बताती हूँ और मैं कढ़ाई में मुझे अच्छा लगता है। हम पहाड़ों में आप सोच रहे होंगे बैठ के खाए तो हम पहाड़ों में ऐसे ही सब मिलके जितना होगा बांट के खाते हैं और ऐसे बैठ के खाते हैं। यहाँ पे कोई डाइनिंग टेबल की ज़रूरत नहीं होती है, प्यार से मिल बांट के हम ऐसे इस तरह ही खाते हैं चाहे घर में हो चाहे कहीं भी हो। और इस तरह हम पहाड़ी खाने का आनंद लेते हुए लंग और फाणों का गजब सा स्वाद। आप भी बना लीजिएगा ठंडों में, आजकल बहुत ही ठंडा मौसम है तो इसलिए
सर्दी जुखाम को दूर करें और फाणू खाएं, फाणू गहत का फाणू खाएं, बट का फाणू खाएं और सर्दी जुखाम को दूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पहाड़ी ब्लॉग में, नेक्स्ट पहाड़ी लंच में। जो भी आपको जो भी बनाऊंगी वो आपको जरूर दिखाऊंगी, ऐसे आप पहाड़ी भोजन बनाएं। मिलते हैं तब तक, बाय बाय, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। Hello, Mendel.